13 बार लॉन्चिंग वाले को जरा सुन लें कि जब भारत का ऐसा कुछ हो रहा है तो ये चीन में, ये बेल्जियम में क्या कर रहा है? Now, I've been saying in all my meetings that it is pretty clear that China is proposing a particular view, a particular vision of the planet, right? And they are putting on the table the idea of the Belt and Road. And one of the reasons they are able to do that is because they have become a center of global production. And this is something I told the people yesterday in the external affairs office. But I don't see an alternative vision coming from our side. A vision for production in a democratic environment. What the Chinese have basically shown is that it is possible to produce effectively in a coercive environment where you don't give people freedom, where you restrict their freedom, but you offer them prosperity without political freedom. And the challenge for us is, can we provide an alternative vision where we do production under democratic conditions with political and economic freedom? And I think there's a lot of cooperation that can happen between the United States, between Europe, and between us. And I think that's where a lot of our focus should go. How can we create an alternative? सर, ये बगल में गंगाराम बढ़ई बैठा हुआ है और ये अपने मन से कुछ भी नहीं बोला, लेकिन बोल रहा होगा, लेकिन जिस हद तक ये गया कि चीन की फ्रीडम की बात की, यहाँ इंडिया में फ्रीडम नहीं है, चीन की विदेश नीति की तारीफ, ऐसे समय में जब अमेरिका को आपने बताया कि सब चीन को औकात बता रहा है, दुश्मन देश की तारीफ यूरोप के मन से करना और बगल में गंगाराम बढ़ई बैठा हुआ है, ये एजेंडा राहुल का यूं ही है कि एक तरह से पूरी तैयारी जो आप कह रहे हैं कि बेल्जियम में पहले से पाड़े गया हुआ है इसका जो दलाल है, तो ये एजेंडा क्या है उस समय में जब पूरी दुनिया, मतलब अमेरिका राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर भारत गौरव गाथा गा रहा है, ये क्या खेल खेल रहा है? नहीं मनीष जी, इसने थोड़ा सा मेरे आकलन में उसको इसने थोड़ा सा गड़बड़ा दिया, मुझको था कि ये दो चार दिन बाद चमकेगा, लेकिन ये तत्काल चमका, मगर वो जो खबर मेरी निगाह में आई तब मेरी समझ में आ गई क्यों चमका। देखिए, ये कठपुतली है, जैसा चीन नचाता है वैसा नाचता है, पता नहीं इसकी कौन सी सीडी रखी है, 2008 से रखी हुई है ये, उसके बाद भी कई बनवाई होगी क्योंकि इसको सैर कराते हैं वो, तो ये ना नहीं कर सकता। असल मैंने कहा था मनीष जी कल का अमेरिका का घटनाक्रम, क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल डाउन प्ले कर दिया गया उस बात को, लेकिन वो बहुत बड़ा घटनाक्रम है और वो अमेरिका भी समझ रहा है, भारत भी समझ रहा है और समझ चीन भी रहा है, तो उसको क्योंकि चीन तिलमिलाया हुआ जवाब वो दे नहीं पाया उसका कुछ, तो उसने इसकी ड्यूटी लगा दी कि भले वहां तुम हमारा भजन गाना शुरू करो, हमारा झाल बजाना शुरू करो, तो इसको आउट ऑफ वे जाके जरा अपना प्रोग्राम को थोड़ा चेंज करना पड़ा। ये इसने बैठ के कल अमेरिका के जवाब में इसने चीन के लिए झाल बजाना शुरू किया, ये केवल इसलिए, अभी आगे इसके और ऐसे आइटम आते रहेंगे। मैंने मनीष जी डाल दिए वैसे खबर, लेकिन जो दर्शक ना देख पाए तो उनको मैं बता दे रहा हूँ, इसने कहा कि भारत सरकार के पास मैन्युफैक्चरिंग को लेकर वैकल्पिक विजन का अभाव है। राहुल, जब वैश्विक तौर पर कई देश चीन में अपनी, राहुल गांधी का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वैश्विक तौर पर देश में चीन अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को समेट रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं अपनी हर मीटिंग में यह कहता हूं कि चीन अपना एक निश्चित दृष्टिकोण रखता है, ये उन कारणों में से जिसकी वजह से चीन ग्लोबल प्रोडक्शन के केंद्र में है, मैं अपनी तरफ यानी भारत की तरफ से यह वैकल्पिक विजन नहीं देखता हूं। चीन ने यह दिखाया है कि प्रतिरोध के माहौल में भी उत्पादन किया जा सकता है, तो यह इस तरह की बातें कर रहा है चीन, मतलब ये चीन का राजदूत है कि चीन का मंत्री है या चीन की पार्टी, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का यह महासचिव है, ये चीन के गाने क्यों गाने लगता है जाके? ये कभी इसने जवाब दिया, ये कभी जापान की तारीफ नहीं करता, ये कभी फ्रांस की तारीफ नहीं करता जब विदेश जाता है, ये हमेशा चीनी के गाने क्यों गाने लगता है?
हमारे बगल में मनीष जी अभी नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया होकर आए हैं, वियतनाम गजब की तारीफ तरक्की कर रहा है, चीन को बड़ी गहरी चोट पहुंचा रहा है कोरोना के बाद से, जो वहां से उद्योग उखड़ रहे हैं वो वियतनाम में जा रहे हैं, फिलीपींस में जा रहे हैं, बांग्लादेश में आ रहे हैं, भारत में आ रहे हैं। तो ये कभी वियतनाम की तारीफ नहीं करता, जो छोटे छोटे देश है जो कमाल कर रहे हैं, ये कभी फिलीपींस की तारीफ नहीं करता, ये कभी इंडोनेशिया की तारीफ नहीं करता, बांग्लादेश की तारीफ नहीं करता, ये जहां जाता है इसको चीन का दौरा पड़ने लगता है। तो चीन से मैंने कहा कि निश्चित तौर पर चीन के पास इसकी कोई सीढ़ी है, और मैं पहले भी कह चुका हूं मनीष जी, जब ये गया था चुपचाप रात में मिलने, तब किसी को इसने नहीं बताया था, 2 दिन शांति रही, और उसके बाद चीन ने अपनी वेबसाइट पर इसकी वो फोटो लीक की थी, पब्लिश नहीं की थी, मैं पब्लिश नहीं, मैं उसको लीक मानता हूँ, जानबूझकर चीन ने लीक की थी, वो सिर्फ इसलिए लीक की थी मनीष जी। वो देखिए चीन ऐसा काया देश, उससे इस तरह की गलतियां नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उसने उसने जानबूझकर लीक की थी, वो इसको संदेश था कि जरा तुम ढीले पड़ रहे हो, अभी तो ये किया, अभी और भी कुछ लीक हो सकता है, तो ये घबरा, तब से ये भारत सरकार के पीछे पड़ गया है कि चीन को जब देखो तब इसका चीन का दौरा, इसको ये कभी पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करता, ये कभी नहीं कहता कि पाकिस्तान घुसा जा रहा है, जब पाकिस्तान पाकिस्तान से हमारे 4 युद्ध हो चुके हैं, ये सिर्फ चीन के लिए दीवाना है, तो निश्चित तौर पर इसका कुछ है। मेरा मुझको लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार के पास इसका वो रहस्य होना चाहिए, और वो मगर उसका आप जल्दी वो रहस्य दुनिया के सामने, देश के सामने कम से कम वो उजागर करें कि इसकी कौन सी सीडी है वो। बिल्कुल, सिर्फ पैसा वाला मामला नहीं है, जरूर कोई ना कोई सीडी है। नहीं नहीं सीडी नहीं बोली जी, सीडी नहीं सीडियां हैं, सीडी नहीं सीडियां हैं, सीडी नहीं सीडियां हैं, कई हैं, तो बताता हूँ कि 18 वाली दिखा देंगे, 22 वाली लीक कर देंगे, 17 वाली लीक कर देंगे, नेपाल वाली भी तो एक सीडी होगी इसकी, जो नेपाल वाली लीक हुई थी हल्की सी। तो ये निश्चित तौर पर ब्लैकमेल हो रहा है अभी, अब ये ब्लैकमेल हो रहा है, जिस नीचता पे उतर के, जिस नंगाई पे उतर के भारत का विरोध और चीन के गाने गा रहा है विदेशों में जाके, निश्चित तौर पर ब्लैकमेल हो रहा है। बिल्कुल, और इससे ये देखिए क्या टाइमिंग है, जब भारत के संसद का विशेष सत्र होना है, नए संसद का उद्घाटन होना है, जब भारत आज तक का सबसे बड़ा एक तरह से अतिथि समारोह कर रहा है, उस समय में अपने आप को प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार समझने वाला ये खेल खेल रहा है। नहीं नहीं हाँ जी, सबसे सबसे खास बात है कि पूरी दुनिया का मेला देश में लगा है, अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे कनाडा का राष्ट्रपति हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति हो, चाहे इंग्लैंड का राष्ट्रपति, वो भारत के गीत गा रहा है, और ये वहां बैठ के अलग खंजड़ी बजा रहा है अपनी, और विदेश में जाके बजा रहा है बेल्जियम में, तो निश्चित तौर पर ये इस आदमी को क्या कहा जाए, मतलब ये हमारे यहाँ देश है कि कुछ लोग इसको नेता मानते हैं, जो लोग इसको नेता मानते हैं उनको खुद पर शर्म आनी चाहिए।